क्या आप मुमरा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के लिए स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। दो घंटे से बच्ची डूब के पड़ी थी, जब ऊपर आई है वो पानी से फूल कर। घूमने के चक्कर में बच्ची बाहर खेलने आई और पानी में गिर गई। पर दो बच्चे गिरे हैं पहले से, जिनके सर में टाके लगे। यहाँ पर नो एंट्री गेट भी नहीं लगा है। मैं हूँ इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण बालियानी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ मुंबई बड़ोदरा हाईवे के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। टिटवाला के वाल्यानी क्षेत्र से मुंबई वडोदरा JNPT हाईवे पर अंडरपास रास्ते का काम चल रहा है, जो कि कई फुट गड्ढा खोदा हुआ है। शुक्रवार की सुबह 11 बजे के करीब क्षेत्र में खेल रही रहमुल निसा रियाज शाह नाम की 3 साल की बच्ची पानी में डूब गई। इलाके के लोग ठेकेदार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। टिटवाला पुलिस मामले की जांच में भी जुटी है। आपको बता दें कि टिटवाला वाल्यानी में शेख पीर वली शाह बाबा का उर्स 27 तारीख से चल रहा है। इलाके में चांद शेख शाह के यहाँ मीरा भयंदर के रहने वाले रिश्तेदार रियाज शाह अपने 3 साल की बेटी रहमुल निशा के साथ आए हुए थे। सुबह बहुत देर हो गई, जब रहमुल निशा घर वापस नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। बहुत ढूंढा गया लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों की नज़र पानी में गड्ढे में गई तो वहां देखा गया कि बच्ची का शव दिखाई दे रहा है। ये बात शहर में आग की तरह फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही टिटवाला पुलिस और शिवसेना शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक मयूर पाटिल भी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके में रहने वाले नागरिकों द्वारा कई बार इस सड़क कार्य के संबंधित ठेकेदार से सुरक्षा के उचित उपाय करने की मांग की गई थी, लेकिन संबंधित ठेकेदार ने इस मांग को नज़रअंदाज कर दिया। ठेकेदार की लापरवाही की वजह से आज 3 साल की बच्ची की जान चली गई। स्थानीय नागरिकों ने बताया है कि इससे पहले भी इस गड्ढे में गिरकर 2 से 3 बच्चे घायल भी हो चुके हैं। इस मामले में पूर्व नगर सेवक पाटिल और मृत लड़की के परिवार के सदस्य ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की है। पूर्व नगर सेवक मयूर पाटिल ने यह भी मांग की है कि ठेकेदार को मृत लड़की के परिवार को मुआवजा देना चाहिए। टिटवाला पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जीनत कुरैशी, जो महिला मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम जीनत कुरैशी है, मैं महिला मंडल से हूँ, कर्तव्य महिला विकास मंडल से हूँ, शहनाज कला के मंडल से हूँ। यहाँ पर ये घटना 10 बजे मेरे घर पे आए, 2 घंटे से बच्ची डूब के पड़ी थी, जब ऊपर आई है वो पानी से फूल कर, तो मेरे घर पे भागते हुए आए, क्योंकि 20 फरवरी को मैंने एक वीडियो बनाई थी यहाँ की और काम रुकाई थी, लेकिन ये लोग ने काम रुकाए, यहाँ पर नो एंट्री गेट भी नहीं लगाए। और उनको मैंने ये भी बोली, यहाँ पर दो बच्चे गिरे हैं पहले से, जिनके सर में टाके लगे, आप आके इस पर नो एंट्री गेट लगा दीजिए या फिर ये पानी बाहर निकाल दीजिए, यहाँ का रास्ता क्लियर करो, फिर आप अंडरग्राउंड रास्ता बना लो वहाँ से। लेकिन ये लोग ने मेरा सुने नहीं, हंस के चले गए, ऊपर कार थी, कार में बैठ के गए और मेरे को बोले 4 बजे आके मैं नो एंट्री गेट लगाऊंगा। वो आए नहीं, मैं 1 हफ्ते से इंतज़ार कर रही हूँ उनका, वो आए नहीं। आज ये घटना हुई, आज बच्ची की जान चले गई। वो मेहमान आए थे उरू से, यहाँ का संदल है 27 तारीख का, तो वो घूमने के लिए आए थे, लेकिन घूमने के चक्कर में बच्ची बाहर खेलने आई और पानी में गिर गई। आज इतनी बड़ी घटना का कौन जिम्मेदार है? वही
लोग हैं ना, उनको जब मैं बोली थी कि वो बच्चों को कुछ होगा, उनके जान को कुछ खतरा है तो तुम देंगे, तो बोले ये तुम्हारे सुकून के वास्ते बना रहे, तुम्हारी सुविधा के लिए बना रहे, ये 10 साल की सुविधा और ये बच्चों की जान जाना। दूसरी घटना है सर यहाँ पर, ये दूसरी, पहले 7 साल का लड़का यहाँ पर डूब के मरा, ये 3 साल की बच्ची यहाँ पर डूब के मरी, 4 बच्चे वैसे ही गिर के पड़े, 3 टाके लगे हाथ को जख्मा, अभी किसको सुनाना। अभी मेरी यही गुजारिश है पुलिस प्रशासन से कि हमको बच्चे को हक दे, इंसाफ दे, और हमारे पाटिल सर का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, एक कॉल पर हमारे यहाँ पर आके हमारी इस परेशानी को सुने।